हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग वी रिव्यू टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 सितंबर एप्पल इवेंट पूरा रिकैप करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे हिंदी में क्या कुछ नया आया है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आई हैं। आईफोन 12 तो नहीं आया है, क्या कुछ नया है, अफोर्डेबल एप्पल वॉचेस आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करिए ताकि आपको मिल नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आता है लेटेस्ट फ्लैगशिप एप्पल वॉच, जो है एप्पल वॉच सीरीज 6। इसके अंदर आपको नए कलर्स देखने को मिलेंगे, बट इसका जो डिज़ाइन है वो सेम रहेगा सीरीज 5 की तरह, मतलब उतना ही बड़ा डिस्प्ले, सेम डायल, सेम बटन्स देखने को मिलेंगे। और सीरीज 6 को जो सीरीज 5 से डिफरेंशिएट करता है वो है कलर्स, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रेड वाला भी देखने को मिलेगा। कलर्स के अलावा इसके अंदर है ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर करने का सिस्टम। ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर करना कितना ज़रूरी आजकल के टाइम में, और यू कैन मेजर इट विद इन 15 सेकेंड। सीरीज 6 के अंदर आता है नया S6 चिपसेट, विच इज़ इक्वलेंट टू आईफोन 13 चिपसेट। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 20% फास्टर देन सीरीज 5 चिपसेट। सीरीज 6 का डिस्प्ले ऑलवेज ऑन तो है सीरीज 5 की तरह, पर यहाँ पर 2.5 times मोर ब्राइटर है। और इसमें ऑलवेज ऑन के अंदर एक अल्टीमीटर भी देखने को मिलता है, जो आपको ट्रैकिंग में यूज़ आएगा। यहाँ एप्पल ने कुछ नए वॉच बैंड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर आता है सोलो लूप बैंड, ब्रेडेड लूप बैंड और थर्ड लेदर बैंड। और मुझे सबसे अच्छा लगा है सोलो लूप बैंड। इसको आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्लाइड करना है, और ये डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होगा। सीरीज 6 इज अवेलेबल इन GPS एंड सेलुलर विद 42 and 44 mm, और प्राइसिंग इसकी सेम रखी गई है सीरीज 5 की तरह, $399। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्पल वॉच SE। इसका बहुत लोगों को डाउट था कि होगा कि नहीं, पर ये फाइनली आ गई है। इसके अंदर सेम सीरीज 5 के इंटरनल हैं, सीरीज 5 और सीरीज 6 की तरह बॉडी है। इसमें सारे फीचर्स आते हैं सीरीज 6 की तरह, बट कुछ क्रूशियल फीचर्स हैं, जैसे ECG हटा दिया गया है, और ये GPS एंड सेलुलर दोनों में अवेलेबल होगा। और प्राइसिंग इसकी बहुत अट्रैक्टिव रखी गई है, $29। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, एक जो स्टुपिडिटी मुझे लगी है वो है कि एप्पल जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए जो बात करता है, उसके अंदर एप्पल ने अपने वॉच बॉक्स से मैग्नेटिक चार्जर्स चार्जिंग केबल हटा दिए हैं, क्योंकि चार्जर्स बहुत महंगे आते हैं, जहां आपको और खर्चा करना पड़ेगा। और एप्पल ने कुछ प्लान्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे फिटनेस प्लस का प्लान, जिससे आप एप्पल वॉच के साथ आईफोन में भी इसे यूज़ कर पाएंगे, जिसकी प्राइसिंग $10 पर मंथ है और $80 पर ईयर रखी गई है। इसके साथ एप्पल ने लॉन्च किया है एप्पल वन बंडल पैकेज, जिसमें आपको सारे एप्पल के प्रीमियम सर्विसेज मिलेंगे, जैसे एप्पल TV, एप्पल म्यूजिक, iCloud सर्विसेज होंगे। नेक्स्ट आता है iPad 8 जनरेशन। इसमें एप्पल ने एप्पल 7 जन की बॉडी लेके इसमें A12 बायनिक चिपसेट डाला है। पहले A10 फ्यूजन देखने को मिलता था, A12 वही चिपसेट है जो 10R में आता है, iPad mini 5 में आता है। और प्राइसिंग सेम है 7 जनरेशन की तरह, $329, स्टार्टिंग फॉर बेस स्टोरेज 32 GB। अब सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो इस पूरे इवेंट में लॉन्च हुआ है वो है iPad Air 4 जनरेशन। इट इज़ कम्प्लीटली रीडिजाइंड, और इसका डिज़ाइन सेम मिलता है जैसे आपको iPad Pro 2020 वाला है। iPad Air 4 जनरेशन के अंदर आपको 5 नए कलर्स देखने को मिलते हैं। टच ID मिलता है, जो कि पावर बटन में ही एम्बेडेड है, जो कि एप्पल के लाइनअप के अंदर पहली बार है। और एप्पल ने इसमें दिया है A14 बायोनिक, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, विच इज़ बेस्ड ऑन 5 nanometer हेक्सा कोर चिपसेट। इसमें 60Hz वाला ही डिस्प्ले मिलता है, और इसमें Type-C पोर्ट का सपोर्ट भी है, एंड इट सपोर्ट्स एप्पल पेंसिल 2 एंड 64GB स्टोरेज बेस। और प्राइसिंग इसकी रखी गई है $599। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। इट्स रिव्यू टेक साइनिंग ऑफ। सी यू सून।